सहायता से इंस्ट्रूमेंट्स दिए हमको 1.5 करोड़ के, उनका और MDRU का, इन चीज़ों का लोकार्पण हुआ है। वैसे 200 करोड़ की लागत से कायड में करीब 22 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन में नया मेडिकल कॉलेज, जिसमें मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग होगी, प्रशासनिक भवन होगा और बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए अलग हॉस्टल होगा। मेरा नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है, प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने JN मेडिकल कॉलेज में 7 करोड़ 20 लाख की लागत से बनने वाले आइसोलेशन वार्ड का किया शिलान्यास, नवनिर्मित सभागार और कार्डियोलॉजी कैथ लैब का किया लोकार्पण, कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड का शिलान्यास करने के साथ ही नवनिर्मित सभागार और कार्डियोलॉजी कैथ लैब का लोकार्पण भी किया। इससे पूर्व डॉक्टर रघु शर्मा ने कायड में बन रहे 250 सीटों वाले नए मेडिकल कॉलेज की प्रस्तावित जमीन का अधिकारियों के साथ अवलोकन कर उनसे जानकारी हासिल की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई नेता और चिकित्सा विभाग सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कायड में बनने वाला मेडिकल कॉलेज आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। मेडिकल कॉलेज को हाईटेक बनाए जाने के संदर्भ में उन्होंने बताया कि यहाँ ई लाइब्रेरी, कम परीक्षा हॉल, शैक्षणिक भवन, स्विमिंग पूल, खेल मैदान, ऑडिटोरियम सहित कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा म्यूजियम, रीडिंग रूम, कैफेटेरिया, चाइल्ड केयर रूम, मेडिकल एजुकेशन यूनिट, स्टूडेंट काउंसिल रूम सहित पूरा एरिया, ग्रीन हाउस और चारों ओर खेल मैदान बनाया जाएगा। 3 लाख स्क्वायर मीटर के अंदर बनने वाले इस नए मेडिकल भवन के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। डॉक्टर रघु शर्मा ने JN मेडिकल कॉलेज सभागार में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान उत्कृष्ट सेवाएँ देने वाले चिकित्सा विभाग के 17 डॉक्टर्स व नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित भी किया। सबसे पहले तो जिन लोगों को अपने उत्कृष्ट कामों के लिए कल राजधानी जयपुर में प्रदेश स्तर पर सम्मानित होना था, सरकार ने निश्चय किया कि उनके विभाग के ही लोगों के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। उनको हम 17 लोग जो हमारे चिकित्सा विभाग के थे, जिनको राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया था, उनको हमने पुरस्कृत किया उनकी उल्लेखनीय सेवाओं को देखते हुए। उसके अलावा यहाँ पर संक्रमण रोग का जो वार्ड है करीब 100 बेड का, उसका शिलान्यास किया है और कार्डियोलॉजी की कैथ लैब उसका लोकार्पण किया है। इसके अलावा जिस ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं इसका भी लोकार्पण हुआ है और स्किल सेंटर जो 1.4 करोड़ से बना है उसका, और सैमसंग ने जो अपने सहायता से इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं हमको 1.5 करोड़ के, उनका और MDRU का, इन चीज़ों का लोकार्पण हुआ है। वैसे 200 करोड़ की लागत से कायड में करीब 22 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन में नया मेडिकल कॉलेज, जिसमें मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग होगी, प्रशासनिक भवन होगा और बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए अलग हॉस्टल होगा, खेलने के मैदान होंगे, बहुत शानदार भवन का निर्माण, उसका काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। करीब 56 साल पहले ये भवन बना था जवाहरलाल नेहरू अस्पताल मेडिकल कॉलेज का, काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन हम फेज मैनर में जैसे 45 करोड़ रुपए की लागत से सर्जिकल ब्लॉक बन रहा है और उसमें 5 करोड़ और ट्रॉमा सेंटर के शामिल करके करीब 50 करोड़ की लागत से वो ट्रॉमा सेंटर्स बन गया।
इस अस्पताल में, क्योंकि राज्य के दूसरे जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनसे संबद्ध अस्पतालों में लगभग 2000 से ज़्यादा बेड सब जगह हैं, सिर्फ हमारे ही यहाँ 1438 बेड थे। अब ये जितनी भी नई शुरुआत हम लोगों ने की है उसके बाद यहाँ की बेड क्षमता 1050 और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 2500 बेड हो जाएंगे, इस अस्पताल की कैपेसिटी भी अन्य अस्पतालों के तुलना में बराबर हो जाएगी। बाकी सुपर स्पेशलिटी की 19 पद मैंने यहाँ स्वीकृत किए हैं, और अभी मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर कैथ लैब लगी है और कैथ लैब भी बहुत अत्याधुनिक लगी है। अब हार्ट सर्जरी कैसे शुरू की जाए उस पर हमारा विभाग विचार कर रहा है। जल्दी ही हमारी सरकार की कोशिश होगी कि यहाँ हृदय की भी सर्जरी करने की व्यवस्था शुरू हो। यहाँ पर बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी की विंग शुरू की है और अजमेर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। जहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट की बात है, करीब 2500 पीक में जब सेकंड वेव आई थी तो पीक के दौरान यहाँ 2500 सिलेंडर्स पर डे की रिक्वायरमेंट थी। अभी हमने जो जनरेशन प्लांट्स लगाए हैं या लिक्विड स्टोरेज का एक यूनिट लगाया 20 KL का, दोनों सब की कैपेसिटी करीब 3500 सिलेंडर पर डे हो जाएगी। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस ढंग से राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, क्योंकि यहाँ RT-PCR टेस्ट करने की क्षमता भी करीब 5000 टेस्ट की हो गई है, और हमारे जिला प्रशासन ने शानदार काम किया कोविड प्रबंधन में, और वैक्सीनेशन में भी अजमेर ज़िले ने पूरे राजस्थान में सबसे पहला स्थान अर्जित किया है। स्टेट का एवरेज करीब 55% लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएँ पहली डोज के रूप में, और सेकेंड डोज करीब 16%, और यहाँ अजमेर ज़िले में 65% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 21% लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है। आगे भी गति जारी रहेगी। जिस ढंग से वैक्सीनेशन साइट्स बनी है, कोल्ड चेन पॉइंट बने हैं, और जिस ढंग से वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन में भी अग्रणी है, कोविड प्रबंधन में भी अग्रणी था। हमारे यहाँ के जो इंतजाम थे उनको देख के पड़ोसी राज्य के लोग वो भी यहाँ इलाज कराने आए। तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पहले निःशुल्क दवा योजना दी, निःशुल्क जांच योजना दी, अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, हर परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस बीमा उसकी सुविधा दी है। तो राजस्थान पायनियर स्टेट बन रहा है और अजमेर भी राजस्थान में पायनियर डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। सर, तीसरी लहर की जो आशंकाएं जा रही है उसको लेकर किस तरह की तैयारी? देखिए, सेकंड वेव में हमने जो कटु अनुभव हमने सहे, ऑक्सीजन की किल्लत फेस की, हमें ज़रूरत ज़्यादा थी, हमारे पास उपलब्ध कम थी, तभी ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि राजस्थान में 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हम कर पाएँ, चाहे हमारे एयर सेपरेशन यूनिट हो, चाहे हमारे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट हो, या लिक्विड स्टोरेज की कैपेसिटी हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, सबसे मिला के 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन थर्ड वेव से पहले पहले हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। और जितने भी राजस्थान में बच्चों के अस्पताल हैं उनमें नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो, चाहे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हो या SNCU, इनके 550 बेड का लोकार्पण तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो चुका है, बाकी भी काम वहाँ चल रहा है। ICU बेड में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, वहाँ पे सेंट्रलाइज पाइपलाइन जो ऑक्सीजन की लगी है और ऑक्सीजन जनरेशन की व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पूरे राजस्थान के ग्रामीण अंचल में हमने चिन्हित किए हैं, उनको भी हम 4-5 बेड ICU हर CSC के अंदर डेवलप करेंगे, और ये सारी सुविधाएँ वहाँ भी होगी ताकि हमारे जिला अस्पतालों पर लोड नहीं पड़े और राजधानी पर लोड नहीं पड़े, स्थानीय स्तर पर ही सारे इलाज की व्यवस्था लोगों को वहीं मिल जाए। चिकित्सा का प्रसार हुआ, जिस तरह से व्यवस्था बढ़ी।